नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। साथियों, आप मेरे पीछे फ्रेम में देख सकते हो, यमुना का किनारा है और आप सभी को जन्माष्टमी पर की बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक शुभकामना। इस वक्त मैं मथुरा में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हो, आज जन्माष्टमी का जो विशेष त्यौहार है, भारत के प्रत्येक कोने से, दूर दराज से जो लोग आए हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। भगवान कृष्ण का जो जन्म उत्सव है, आज शाम को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ मेरा वीडियो शूट करने का पर्पस थोड़ा सा इतना है कि जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था तो इसी रास्ते से होकर के वासुदेव जी उनको लेकर के यमुना पार लेकर के गए। आप एक बार यमुना की दर्शन कीजिए, अवलोकन कीजिए और किस प्रकार से यहाँ पर जो बोटिंग है, बोटिंग का लोग बड़े आनंद ले रहे हैं, चाव के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में, क्योंकि आज खुशी का दिन है। तो लोग बड़ी दूर दूर से, भारत के लगभग विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और जन्माष्टमी का जो पर्व है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे भारत में इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई, हम मथुरा से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से यमुना जी का जो किनारा है, छोटी छोटी बारिश की बूंदें भी आ रही हैं, मौसम सुहावना हो रहा है। लगता है कि आज फिर से जो द्वापर का युग था वो फिर से लौट करके आ रहा है, क्योंकि ये जो मौसम है वो भी एक तरीका से अनुकूल हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हो किस प्रकार से जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं घाटों पर और बड़े आनंद के साथ में यहाँ पर बैठे हैं और यमुना जी का किनारे पर बड़े चाव के साथ में एक धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और थोड़ी बारिश का मौसम है तो लोग भी जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में, तमाम आपको मथुरा से अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।